ग्रामीण बैंक से निकलकर जा रहे पति पत्नी पर हरमान सिंह रघुवंशी के खेत के सामने अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी आंखों में मिर्ची डालकर पैसा चोर चुरा कर ले गए। मामला ग्राम पंचायत सहजातपुर के एक किसान सीताराम रघुवंशी का है, जो अपने माता पिता के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सिरोन से पैसा निकालने के लिए आए थे और उन्होंने बैंक से 1,09,000 रुपयों की राशि शाम को निकाली थी। कोई अज्ञात व्यक्ति सामने से आकर चलती गाड़ी में मिर्ची डालकर उनके हाथ से बैग छुड़ाकर भाग गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शाम 4 बजे की है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिरोंज SDOP और थाना प्रभारी सिरोंज को उक्त आरोपी के खिलाफ सख्ती से जाँच करने और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा तुरंत ही घटनास्थल पर मुआयना कर ग्राम सहजातपुर से लगे हुए आसपास के सभी गाँवों में पूछताछ की गई और आरोपी के लिए हालिया और प्लेटिना बजाज जो कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी उसके बारे में लगातार तलाश की जा रही है। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। सुरेन सिंह रघुवंशी सैदातपुर आजम नगर। हमारे भाई साहब और भाभी पैसा ले बैंक कोऑपरेटिव बैंक पैसा निकाल के जा रहे थे तो किसी ने अज्ञात ने टच कर लाया उन्हें और हमारे गाँव पर जाते टाइम 1 किलोमीटर बावसदा रोड से अंदर सैदातपुर रोड पर मिर्ची भर के पैसा छीन लाए एक जने ने तो उनकी झुमा जाट की भाई तो आगे पैसा छोड़ के वहाँ भग लाओ। जब फिर हमारे भतीजे ने हमें फ़ोन लगाया गांव वालों को परिवार वालों को तो उसका हमने पीछा किया और पुरा के पास में मोटरसाइकिलों से पीछा करके उसको पकड़ा। कितने समथिंग थे? 1,09,000 रुपये थे। आपने थाने में शिकायत वगैरह की? थाने में हमने शिकायत करी, थाने की पुलिस पहुँच गई थी जीप लेके, उधर से हम लेके आ रहे थे, उसको थाने में हमने फेस कर दिया। ये थाना सिरोंज में परसों के दिन दिनांक 3 तारीख को फरियादी सीताराम उम्र 17 वर्ष रघुवंशी समाज के हैं। यह अपनी माताजी पिताजी के साथ कोऑपरेटिव बैंक से 1,09,000 रुपये निकाल के मोटरसाइकिल से तीनों जा रहे थे। ये ग्राम मूलतः सैजादपुर के रहने वाले हैं। बासोदा रोड से जैसे ही सैजादपुर मुड़े तो एक युवक ने कच्चे रोड पर वाहन धीरे होने पर सामने आके इनको आंखों में मिर्ची झोंक के इनकी माँ के पास जो रखे बैग में 1,09,000 रुपये लूट के भाग गया था। इसमें फरियादी ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना पुलिस को दी एवं ग्रामीणजनों को उसके रिश्तेदारों को दी और हम तक सूचना मिलने पर हमने तुरंत यहाँ से बल रवाना किया। प्लस ग्रामीणों ने भी पुलिस की बहुत मदद की। कल दिनांक को इसमें अज्ञात आरोपी जसलम पिता काले खां निवासी देवराजपुर विदिशा के इसमें सिविल लाइन थाने को गिरफ्तार किया गया है और इसमें हमारी पुलिस पार्टी ने प्लस ग्रामीणजनों ने बहुत अच्छा पुलिस का सहयोग किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम 1,09,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को जब इस घटना की सूचना दी गई SDOP महोदय को और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को तो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का मैंने अक्षरशः अपने स्टाफ से पालन कराया, त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम रवाना की एवं सभी निर्देशों के पालन में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ग्रामीणजनों फरियादियों का हमारे स्टाफ के साथ अच्छा योग सहयोग रहा, इस कारण से हमें इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। पहले भी क्या इसको केस दर्ज नहीं? अभी तक के इसके आपराधिक रिकॉर्ड जिले से सिविल लाइन वगैरह से मंगाए गए हैं, अभी नहीं मिले हैं। इसमें एक आरोपी और जो इस घटना में मुख्य आरोपी को घटनास्थल पर छोड़कर आगे मोटरसाइकिल से इंतजार कर रहा था, जो हमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मालूम पड़ा है, वो उसका मोसेरा भाई है और वो ग्राम देवरी का रहने वाला है करिया उर्फ इमरान। उसकी तलाश भी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी घटना में मोटरसाइकिल और एक आरोपी अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी होना शेष है। इस पर धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।